हम दिखा रहे हैं वो जो बिहार में अब लगातार जो वायरल लोग हो रहे हैं, क्या गाते हैं और गाने का बोल क्या होता है, हम जानेंगे उस पे। क्या नाम हुआ आपका जी? नमस्ते, प्रणाम, मैं सुजाता मिश्रा, जितने भी दर्शक। आपका गाना क्या था, कौन सा गाना गा के वायरल मतलब हुई थी, अभी क्या गाना गाई थी? अच्छा ये बताइए कि ढोड़ी में खीर पूरी लोग कैसे खाते हैं? ठीक है, देखिए आप लोग ढोड़ी को बुरा समझते हैं, ढोड़ी माँ समान होती है, ऐसा नहीं है कि जो आप उसे आप गलत समझते हैं। हम पेट के लिए किए क्योंकि मेरे भी बच्चा है और पेट के लिए मैं ऐसे गाना गाई। तन्या झा इस तरह की गाना गाती थी, लेकिन अब तन्या झा के साथ में बहुत ऐसे नए नए उभरते कलाकार हैं जो ढोड़ी में चाय पीवा, दूध पीवा और खीर पूरी खाईवा की गाने लगे हैं। तो ये मतलब पापी पेट के लिए मतलब इस तरह के गाना गाएंगे? देखिए तन्या झा का नाम दे रहे हैं, इससे भी पहले है जींस ढीला कर, रस लीला कर, देखिए ये गुड्डू रंगी लगाए थे, लेकिन उस तरह का गाना नहीं है। लेकिन अभी तो ये गाना है, किसी का नाम नहीं बदनाम उतना कीजिए आप लोग नाम। अरे पेट का सवाल है, कितना बार बोले, और कोई जोगी या भोगी बन के थोड़ी बैठे हैं, साधु संत है। सीताराम 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 करेंगे तो दर्शक देखेंगे? नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे, नहीं देखते हैं। ये राम घर आएंगे मतलब कितने लोग देखे थे उनको? वो एक जो जलजला होता है ना उसमें वो फंस जाता है, तो इसी जलजला में फंस गए, तो राम घर आएंगे क्योंकि उसका भी सीजन है। तो अभी ढोरी चोली का सीजन है, अब देखिए थोड़ा सा गाना उठा के। अच्छा तो ढोरी चोली का सीजन है तो इसलिए ढोरी और चोली की तरफ ही लोग जाएंगे जी। देखिए कितना हमसे भी अच्छा अच्छा कलाकार है जो बैठ के झक मार रहे हैं। तो एक ढोरी चोली, इससे पहले एक मतलब और कलाकार का ढोरी में ही मतलब कुछ था, ढोरी में प्रणाम करने के लिए, तो वो मतलब प्रणाम मतलब किया था ढोरी में। तो फिर ये ढोरी और चोली वाला जो है गाना, इस तरह के गाना और कोई कलाकार गाएंगे? गाएंगे जब जब वायरल होना है तो गावे करेंगे। आप खाना दे दीजिएगा, जाइएगा उसको खाना देने के लिए। खाना देने की बात आएगी तो जरूर लोग पहुंचाता है, खिलाता नहीं, है यार 10 दिन दीजिएगा, 5 दिन दीजिएगा, 15 दिन दीजिएगा, 1 महीना दीजिएगा, सब दिन के लिए कोई नहीं देता है, ठीक है? तो ये इसके बाद कौन सा गाना आपका आने वाला है? देखिए हम गाना नहीं गाते हैं, मगर गाएंगे, जब राइटर लिख के देगा तो गाएंगे गाएंगे। अच्छा ये मतलब आप गाने से पहले सोची थी कि मतलब ये ढोरी में खीर पूरी खाईबा, इस पे हमको किस तरह का कमेंट लोग करेगा, किस नजरिया से देखेगा, ये सोचे थे? देखिए खाना की तरह हम खाए, बाद में पता चला कि स्वाद कैसा है, इसलिए गाना है गा दिए, बाद में पता चला कि आप का है का ना है, रिजल्ट क्या आएगा तो आप ही। बाद में क्या पता चला? अरे सब दर्शक देख रहे हैं, दुलार प्यार दे रहे हैं, आई आज वही ढोरी चोली के चक्कर में ना आप मेरे से न्यूज लेने के लिए आए हैं, बताइए। अच्छा ढोरी चोली के चक्कर में ही हम आए, तो नहीं आते। पहचानते? कोई पहचानता नहीं, कोई मैथिली ठाकुर को कौन नहीं जानता है कि मैं सुजाता मिश्रा हूँ? आप सुजाता मिश्रा है, मैथिली ठाकुर भी तो ब्राह्मण है, उसको नहीं लोग नहीं जानते? हाँ जानते होंगे, देखिए उनमें हमें तुलना मत कीजिए, वो भी हैं बहुत अच्छे कलाकार, मैं भी हूँ। कोई देखिए साधु और एक जोगी होता है, एक भोगी होता है, तका जोगी साधु दो प्रकार के होते हैं, जोगी और भोगी। तो वो जोगी है या भोगी है? तो मतलब इस गाना का अगला कड़ी क्या है? अनहार में अनार जे दवाईवा राजा भजी, ऐसे ही कुछ है। तो मतलब इस तरह के गाने से लोग मतलब लोग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो नया जनरेशन होगा उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, वो आपको लग रहा है, अंदाजा लग रहा है? जो आपके बच्चे होंगे उस पर इसका क्या असर होगा? देखिए ये बात नहीं बोलिए, अभी तो साया उठा के सोशल मीडिया पर दिखा देती है, इस पे किसका नजर जाएगा, क्या ये सब फालतू दिमाग में? तो वो मतलब उसका उस पे भी गाना आया था, साया उठा के मतलब ये करके भी गाना आया था। तो ये मत बोलिए कि जिसमें क्या है क्या नहीं, सोशल मीडिया है, कुछ भी कर सकता है। तो सोशल मीडिया का मतलब ढोरिये में मतलब खीर पूरी खिलाने लगेगा? बहुत चीज ऐसा है, ये ढोरी है, ढोरी का जब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे लोग चोली और मतलब ढोरी से मतलब तो ढोरी में मतलब खीर पूरी खिलाने लगेगा? तो ढोरी में खीर पूरी कहाँ है ना, खा सकते हैं, खाइए बैठ के, माँ का सामान है ढोरी, गुड़ ला के खा लीजिए। अरे देखिए माँ ने दे ना तो पत्थर सबको, वो तो इंटरनेट हम गाने के लिए गा दिए हैं। अच्छा आपके साथ में गाना कौन गाए थे, ये गाना मतलब गाय कौन थी आपके साथ में? मेरे साथ यही गाय। अच्छा यही गाय है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप गाना गाए हैं कि हमारा चोली में गाय है कि हमारा चोली में खीर पूरी खाईबा, ढोरी में खीर पूरी खाईबा, राजा अमर हो जाइबा, तो क्या ढोरी में खीर पूरी खाने से अमर हो जाता है? देखिए अब सबसे खिलाइए,
एगो पवन सिंह भी गाना गाए थे ढोरी में बियर धांस दे, क्या बियर धांस दीजिएगा उसको, नहीं ना धांसिएगा, सब इंटरटेनमेंट के लिए एंजॉय के लिए युवक ढोरी पर गाना पसंद करते हैं सुनना, हम लोग गाते हैं, नहीं सुनना पसंद करे नहीं गाएंगे। अच्छा तो ये मतलब जिस तरह के लोग अब गाना पसंद कर रहे हैं उस तरह के गायक कलाकार गाते हैं जी, अगर अच्छा गाना भी गाए हुए नहीं सुन रहे लोग। अच्छा ये बताइए भरत शर्मा भी तो मतलब कलाकार हैं, भरत शर्मा भी गाना गाते हैं, भरत शर्मा का निर्गुण है, भोजपुरी लोकगीत है, गवनवा के साड़ी ससुरा से आई सुन के संदेश बाजे मन घबराई। अच्छा, गाना भरत शर्मा का है, देखिए कितना अच्छा व्यूअर है। बारात में जाते हैं ना, कितना गाना भरत शर्मा के चलता है बताइए तो, भारत बारात में तो कूदने के लिए वो गाने में बजता है गाना, वही गाना चलता है। अच्छा आप बताइए अश्लील गाना का ना भी जाएगा। अच्छा तो ये मतलब अश्लील गाना चलता है, ये जो नेक्स्ट कड़ी इनका है अनार दवाई पर, तो क्या वो क्या कहता है, वो कड़ी क्या कहता है? देखिए अनार दवाई या खीर पूरी खेब ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए है, इसको दिल पे नहीं लीजिए, दिमाग पर नहीं लीजिए, इसको इंटरटेन डांस कीजिए एंजॉय कीजिए, बस यही गाना है। और इससे पहले भी हम लोग गाए अच्छा अच्छा गाना, भक्ति गाना, छठ का गाना, मनीष कश्यप का। अच्छा भाई ये बताइए कि बिहार में लोग अच्छे गायक कलाकार सब साइड हो गए, भरत शर्मा व्यास उनके और बहुत सारे ऐसे व्यास आए थे जो अच्छे अच्छे गाना तो गाते थे, लेकिन अब जिस तरह ये गायक कलाकार हैं कह रहे हैं कि अब अच्छा गाना ट्रेंडिंग नहीं करता और ढोंढी चोली साया ये ट्रेंडिंग करता है, तो क्या इस तरह से समाज पे क्या असर पड़ेगा? कमेंट कर जरूर बताइए और इनसे हम बात कराएंगे, ये अपने चैनल के माध्यम से मेरे चैनल के माध्यम से बताएंगे कि इस गाने का उद्देश्य क्या है और ये अपना चैनल का नाम भी बताएंगे। ये जो ढोंढी में खीर पूरी खाई इसका उद्देश्य क्या था मुख्य? देखिए हम तो माँ है अपने बच्चे के लिए गाएं, आप लोग जो सोचिए आपका अपना सोच के है। तो माँ और बच्चे की बात नहीं, आपके बच्चे पे इसका भी तो असर खराब पड़ेगा। नहीं मेरे बच्चे पे आज लड़का लड़की लोग भाग जा रहा है, प्यार मोहब्बत छोटा बच्चा है उसको प्यार मोहब्बत के बारे में पता है, लेकिन हम लोग थे बच्चे तो उस समय ये प्यार मोहब्बत को जानते नहीं थे कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। प्यार सब दिन है, ये बात ना कहिए, प्यार सब करता है। अच्छा। सब किया है, कोई कहता नहीं है, प्यार सब आज से नहीं है, सदियों पुराना है प्यार। आज कहते हैं कि हम लोग नहीं जानते, सब जानता है। प्यार के मतलब ये नहीं है कि आप गलत समझते हैं, माँ बाप का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, एक खराब प्यार लेकिन होता अब है। अब जो है ना वो माँ बाप का प्यार भाई बहन का प्यार खत्म है, लव अफेयर जो है नौजुवक लड़के आज के छोटे बच्चे हैं उनको भी पता है कि लव क्या होता है, सब क्या बात है। कारण यही है कि जो भोजपुरी गाना गाया है लोग और ये खराब ढोरी चोली या ढोरी में खीर पूरी या चाय या दूध उसी का प्रभाव है। देखिए आप किस किस मुंह रोकने जाइएगा, सब तो वही गाता है। आप अपने घरे में देखिए गा के सुना, आप किसी नीमन गाना कहिएगा तो गाएगा नहीं बच्चा, थोड़ा सा खराब गाना तो पर्स नहीं। मेरे घर में नहीं चलता है, सब बोलता है कि मेरे घर में, मेरे भी घर में हम अपना बारे में बोलते हैं। सुनिए मेरे मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि मैं ढोरी चोरी भी बनाती हूँ, मेरे घर का एक भी लोग ना साथ देता है, बताइए एक भी। अब कोई ऐसा गाना बनाइए जिसमें सब लोग साथ दे। कभी साथ ही नहीं देगा, बोले कि हम नहीं, तुझवा के बहुत रंग के बात, कोई पेट मेरा नहीं भरा है आज तक, लिए कोई मुझे एक रुपया नहीं दिया है, जहाँ तक ले दिखा दीजिए कैमरा दिखाइए कि मैं कितनी गरीब हूँ। ये गरीब तो है और इनकी शादी जो हुई थी ये इनके गुरु जी से इनकी शादी हुई थी और शादी करने के बाद ये अब मतलब खुश हैं, इसी घर में खुश हैं। ले शादी क्यों किए थे वैसे, वो तो बहुत ज्यादा उम्र था उनका जब आपका शादी हुआ था, तो देखिए वो बहुत उम्र कर काफी बबलू भाई बबलू भैया है और वो मेरे टीचर थे और शादी प्यार का नजरिया से होता, उमरिया का थोड़ी हम उम्र थोड़ी देखे है, इस प्यार का उम्र नहीं होता और वो अंधा होता है जी। हम प्यार किए हैं, एक ही से प्यार किए हैं और शादी किए हैं, हमारा पसंद हो गया, हम शादी कर लिए। शादी कर लिए हाँ। तो इसीलिए आप चोरी ढोली पे मतलब निकल पड़े? नहीं अच्छा नहीं, मैं भी सरकारी नौकरी मुझे भी होता ठीक है, उनके चक्कर में हम सरकारी नौकरी, बिहार पुलिस का नौकरी था, वो बोले नहीं करने के लिए तो नहीं किए। तो आज हम भी जो पति पत्नी के साथ जो भी होता है पति पत्नी का भावना से। बिहार पुलिस की नौकरी छोड़ करके ये मतलब गाना वाना गाने लगी? गाना गाने लगी, लास्ट में क्या करे, जब सोचे कि नहीं वायरल होंगे तो गा के थोड़ा देखते। अच्छा बिहार पुलिस में रहती तो ये करना पड़ता ढोरी चोली और ये सब? देखिए हम अपना घर बचाने के लिए बिहार पुलिस में न गए कि हम अपना, मेरे घर में न सास है न ससुर है, मेरा दो बच्चा है और इनके माँ बाप है ही ना है,
पति पत्नी जो होता है ना सहारा होता है। अगर हम उसके अगर हम जाते कहीं मन बदल जाए, अभी भी ऐसा उनको बोलते रहते हैं और छोड़ा के साथ रह चुका हूँ मन बदल जाए तो याद इससे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम भागेंगे तभी कोई भगा कर ले जाएगा, मतलब किसी का बाप का अभी तो दो बच्चे की माँ, तीन बच्चे की माँ से आने बच्चे होते हैं उनको छोड़ के लोग भाग जाते हैं। भागने वाला औरत होता है, भागने वाला औरत होता है। क्या आपका मन नहीं बदलेगा? काहे बदलेगा? अभी आप मतलब कितना अच्छे से बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ करके चोरी ढोली पे आ गए। दो साल साथ में रहते हैं, कभी इनसे ही पूछिए कि हम इनके बारे में बताएंगे क्यों नहीं, काहे नहीं बताएंगे कि हाँ हमारा अंदर क्या है। अंदर की बात नहीं है, अगर हम ऐसे अगर हम चाहेंगे तो ही भगा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं बात कही गई। हम सही जो बात कहते हैं आप चाहिएगा तब, नहीं नहीं चाहेंगे तब कैसे भागेंगे। आजकल के लड़का सब देखिए, लड़की छिछुड़ी है तो लड़को छिछुड़ा है, ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा तो रहा ही नहीं, ऐसा ही होता है, दोनों का साथ होता है, कैसे भाग जाते हैं। बहुत लाइन में रहता है कि हमको ले चलिए, हम कहां लेके भाग आते हैं। अगर लड़की कहे कि हम लेकर हम भागेंगे, आपका लड़का कहे हम ना ले जाओ, तू अपना बाप मतारी के सब पूछताछ कर, तो कैसे लड़की चल जाती है तब। यही हम लोग को भी ऑफर मिलता है, नहीं लेके आते। ऐसा नहीं सर, ऑफर ऊपर नहीं, आप हो चाहे हम अभाव से, वो गलत बात नहीं होता है। हम जो बात है डिक्लेयर करते हैं, बहुत बुरा लगता रहता है, भागा भागी सब गलत बात है। ठीक है, तो भागे ये तो क्या आप शादी किए थे तो भागे के नहीं किए थे? नहीं, हम समाज के दिखा के शादी की। मैं शादी की तो मैं बोली कि मैं इनसे शादी करूंगी और मुझे इनसे ही शादी करना है। तो भाई यही मतलब सुजाता मिश्रा है जो मतलब बिहार पुलिस की नौकरी छोड़ करके आज चोरी ढोरी और इस तरह के गाना गाने पे